Hello my dear student, welcome to my channel Query Solver. I am your educator Suren Singh and today I am going to teach you some important rule of editing. जैसे कि स्टूडेंट आपको पता ही होगा, इससे पहले मैं ऑलरेडी आपकी 6 वीडियो बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, जिनमें मैंने आपको बताया था कि एडजेक्ट क्या होता है और आपको बताया था कि इंटरचेंज ऑफ डिग्री, हमें डिग्री को कैसे चेंज करना होता है, पॉजिटिव, कॉम्पेटिव, सुपरलेटिव और कुछ मैंने बताया था आपको जो आपके इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव होते हैं उनके बारे में। तो आपने वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, लाइक किया, शेयर किया है, कमेंट्स किए हैं, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद कहना चाहूँगा। और स्टूडेंट बोलना चाहूँगा, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आज की अगर आप क्लास नहीं देखी तो ये मान लीजिए आपने इससे पहले जो वीडियो देखी है ये मान लीजिए आपकी वो सब खराब है, क्योंकि जितना ही मैंने सब कुछ पढ़ाया है वो मेन पार्ट आज है आपका। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो भी हमने आज तक पढ़ाया है उन 6 वीडियो में उनका हमें यूज़ कैसे करना है। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का लेक्चर है आपका 7। इसमें हम बात करने वाले हैं आपकी सम इम्पोर्टेंट रूल ऑफ एडजेक्टिव। स्टूडेंट हम इसमें बात करेंगे आपके जो इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं, नेम होते हैं, यानी किस तरीके से आपको एडजेक्ट को हमें यूज़ करना है और किस तरीके से हमें एडजेक्ट को यूज़ नहीं करना होता है। तो आपका फर्स्ट रूल है स्टूडेंट इसमें कि हम एज तथा सो के बाद हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, आपकी कॉम्पेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करते। स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में जब हमने बात की थी आपकी पॉजिटिव, कॉम्पेटिव और आपकी सुपरलेटिव डिग्री की, तो मैंने बताया था कि आपकी जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो आपकी एस डॉट डॉट एस एवं सो डॉट डॉट एस के बीच आती है। तो इसी में उसने यही मेंशन किया है कि अगर आपकी एस तथा सो के बाद हमको किसको यूज़ करना है स्टूडेंट, हमको पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करना है, आपके कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करना है। एग्जांपल दिए गए हैं आपके कि राम इज़ एज इंटेलिजेंट एज सुरेश। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स ने वही बोला कि एस और एस के बीच में आपने यूज़ किया हमने यहाँ पर इंटेलिजेंट, जो कि आपका पॉजिटिव डिग्री है। लेकिन हाँ इसने आपके वी एग्जाम्पल में बताया कि राम इज़ एज मोर इंटेलिजेंट एज सुरेश। तो स्टूडेंट मैंने भी आपको बताया कि हमें इसके साथ केवल आपका पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करना है और यहाँ आपने यूज़ किया है मोर, जो कि आपको बताता है कि आप ये डिग्री किस में यूज़ कर रहे हो, कंपेरेटिव में। तो स्टूडेंट यह आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट में बताया कि ही इज़ नॉट सो फास्ट फैट एज राम। तो यहाँ इसने वही बताया स्टूडेंट कि जब हम सो और एज को यूज़ करते हैं तो उसके साथ स्टूडेंट हम इसको नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं और इसके साथ आप नॉट का यूज़ करते हैं। तो ये आपका यहाँ पर स्टूडेंट सही है क्योंकि इसके बीच में हमने आपकी पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया है। और लेकिन यहाँ आपने क्या किया कि यहाँ किया हमने कि ही इज़ नॉट सो फास्ट फैटर एज राम। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट इसके साथ आपकी कॉम्पिटिटिव डिग्री का यूज़ किया है, जो कि आपका बिल्कुल ही गलत है। तो इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना है कि हमें एज डॉट डॉट एज और सो डॉट डॉट एज के बीच वगैरह हमें केवल आपकी पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करना होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगेगी और वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, मान लो समझ लो किसी भी रूल में आपको कोई भी डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ मुझसे आप उसको पूछ सकते हो। नेक्स्ट रूल आपका स्टूडेंट रूल नंबर 2। इसमें बताया कि हम टू का यूज़ एडवर्ब के रूप में होता है, इसके बाद हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ या हम बात करें एडजेक्टिव या आपके एडवर्ब का यूज़ करते हैं। इसने यहाँ भी यही मेंशन किया है कि जहाँ भी आपका टू यूज़ किया जाता है, टू मीन्स यूज़ होता है स्टूडेंट आपका बहुत ज़्यादा के सेंस में यूज़ करते हैं इसको हम, तो इसके साथ भी आपको स्टूडेंट्स केवल आपका पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करना है, यानी उसके एडजेक्टिव की बात करें या हम एडवर्ब की। यहाँ उसने बताया है एग्जाम्पल में कि ही वॉज टू वीक टू वॉक। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका टू यूज़ किया गया और उसके बाद हमने यूज़ किया यहाँ पर आपका पॉजिटिव डिग्री यानी कि वीक। तो यह आपका स्टूडेंट सही है। यहाँ इसने मेंशन किया है कि ही वॉज टू वीकर टू वॉक। तो यहाँ स्टूडेंट हमने यूज़ कर लिया है इसमें कॉम्पिटिटिव डिग्री, जो कि आपका बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना है कि टू के बाद भी हमको केवल पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या हमें एडवर्ब का यूज़ करना होता है।
यहाँ इसने बताया है कि हमें टू के बाद आपके कंपरेटिव और आपका सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव की बात करें या हम बात करते हैं स्टूडेंट आपके एडवर्ब की, तो इसके साथ आपका यूज नहीं होता है। जैसे हम मेंशन किया एग्जांपल में कि राम रन्स टू फास्ट टू विन द रेस, तो यहाँ पर इसने देखो आपका फास्ट यूज किया है जो कि आपका किस कौन सी डिग्री आपका पॉजिटिव डिग्री होता है, तो इसने बताया कि इसका हम कंपेरेटिव यानी कि इसका फास्टर और आपका फास्टेड इस तरीके से यूज नहीं करेंगे, जो कि आपका स्टूडेंट बिल्कुल आपके रॉन्ग हो जाएंगे। केवल आपका फर्स्ट वाला ये है आपका राइट रहेगा और नीचे वाले आपके दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम टू का यूज करते हैं तो उसके साथ हमें केवल पॉजिटिव डिग्री के आपके एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज करना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। थर्ड रूल में आपका बताया गया स्टूडेंट कि हम एनएफ का यूज एडजेक्टिव के रूप में हम सफिशियंट यानी बहुत ज़्यादा एज मच एज इज नीडेड यानी कि जितने की आपको ज़रूरत है, या हम बात करें एज मैनी एज आर रिक्वायर्ड यानी काफ़ी या पर्याप्त के सेंस में आप यूज़ करते हैं। इसमें बेसिक अगर हम एनएफ का अगर जो मीनिंग्स होता है उसका मीन्स होता है बहुत ज़्यादा यानी सफिशियंट मोर, तो यहाँ अगर हम इसकी बात करते हैं आपके एडवर्ब के रूप में तो इसका मीन्स होता है सफिशियंटली क्वाइट वेल यानी कि बहुत ज़्यादा जितने की आपको चाहिए उतने के अर्थ में इसका हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट। तो इसके साथ क्या बताया गया है कि इसका अगर हम एनएफ का यूज़ करते हैं स्टूडेंट तो इसके साथ हमें केवल आपकी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का बात होता है, यानी कि अगर आपको एनएफ अगर हमें यूज़ करना हो स्टूडेंट तो वह हम कैसे यूज़ करेंगे, हमें पहले आपकी पॉजिटिव डिग्री यूज़ करनी होगी और उसके बाद हमें आपके एनएफ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ बताया गया स्टूडेंट आपके एग्जांपल में कि द पुलिसमैन वॉज ब्रेव एनएफ टू कैच द थीफ, तो यहाँ पर आपका जो ब्रेव यूज किया गया स्टूडेंट ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है, और मैंने अभी आपको बताया है कि अगर हम एनएफ को अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है उसके बाद आपको एनएफ को यूज़ करना, उससे पहले अगर हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। जैसे यहाँ इसमें यूज़ करके बताया कि द पुलिसमैन वॉज एनएफ ब्रेव टू कैच द थीफ, तो यहाँ हमने स्टूडेंट आपके पॉजिटिव डिग्री के आपके एडजेक्टिव ब्रेव ये पॉजिटिव में होता है ब्रेवर और आपका ब्रेवेस्ट होता है सुपरलेटिव में, तो इसके साथ हमने एनएफ को पहले यूज कर दिया है जो कि आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि हम एनएफ के जो यूज़ करते हैं स्टूडेंट हम वो पॉजिटिव डिग्री के बाद करते हैं, लेकिन इसमें बताया कि हमें पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले हम एनएफ का यूज़ नहीं करते, वही मैंने आपको बताया है, और ना ही हम आपके कंपरेटिव और आपके सुपरलेटिव प्लस एनएफ का यूज़ भी नहीं करते हैं। यानी आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें केवल एनएफ का यूज़ करना है तो वह हमें यूज़ करना है आपके पॉजिटिव डिग्री के बाद में, उससे पहले हमें एनएफ का यूज़ नहीं करना है, ना ही आपको सुपरलेटिव या कंपरेटिव के बाद हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है कि द गर्ल इज स्ट्रॉन्गर एनफ टू लिफ्ट द बॉक्स, तो यहाँ आपका जो स्ट्रॉन्गर यूज़ किया गया है स्ट्रॉन्ग और आपका स्ट्रॉन्गेस्ट होता है स्टूडेंट, तो यहाँ इसने एनफ यूज़ किया है जो कि आपका बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि मैंने अभी आपका मेंशन किया है कि हम कंपरेटिव या सुपरलेटिव उसके बाद हमें एनफ का यूज़ नहीं करना होता स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ इसमें बताया गया कि द गर्ल इज स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ये आपका सुपरलेटिव लिया गया स्टूडेंट एनएफ टू लिफ्ट द बॉक्स, तो यह इस तरीके से आपका स्टूडेंट रॉन्ग हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल में स्टूडेंट आपका बताया गया है रूल नंबर 4 कि एक वाक्य में हम दो एडजेक्टिव का यूज करना गलत होता है, यानी हम एक वाक्य में दो एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते स्टूडेंट, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। जैसे यहाँ बताया गया आपका कि ही इज मोर वाइजर देन यू, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने जो मोर यूज़ किया है ये आपका कंपरेटिव डिग्री का आपका एडजेक्टिव होता है, और वाइजर मींस भी आपका कंपरेटिव यानी सेम डिग्री हो गई, बताओ मोर और आपका वाइजर सेम हो गई, जो कि आपका बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है स्टूडेंट, हमें एक वाक्य में एक ही एडजेक्टिव का यूज़ कर सकते हैं, दो एडजेक्टिव का एक साथ इस तरीके से आप यूज़ नहीं कर सकते, मोर भी आपने यूज़ किया आपने वाइजर भी यूज़ किया, लेकिन अगर हम बनाते ना इस तरीके से, जैसे यहाँ होता कि सी इज मोर ब्यूटीफुल देन यू, तो वो सही होता है स्टूडेंट, क्योंकि वहाँ जो आपकी जो एडजेक्टिव लिया गया आपका ब्यूटीफुल है लेबोरियस है आपका डिफिकल्ट है, तो ये जो आपके एडजेक्टिव होते हैं ये स्टूडेंट आपके मोर से आपका इसका कंपरेटिव बनता है, और मोस्ट को जोड़ने के बाद आपका
सुपरलेटिव बनता है, जो कि मैंने इससे पहले जो आपकी वीडियो बनाई थी 6 नंबर वाली, उसमें मैंने आपको बताया था। तो आप उस वीडियो को वहाँ पर जाके देख सकते हो किस तरीके से मैंने आपको वहाँ डिग्री बनाना बताया था कि हम कैसे पॉजिटिव सुपरलेटिव या कंपेरेटिव डिग्री को बनाते हैं। तो यहाँ यूज़ किया गया ही इज़ वाइजर देन यू, तो यहाँ स्टूडेंट आपका राइट है क्योंकि हमने यहाँ पर केवल आपकी एक ही डिग्री का यूज़ किया है। तो इस तरीके से आप इसको राइट हो जाएगा। हम एक साथ दो कर सकते हैं, मोर के बाद आप यहाँ एडिक्टिव यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो एडिक्टिव आपके स्टूडेंट्स अलग होते हैं। तो बाइजर तो आपका इसका अगर हम पॉजिटिव होता है बाइज बाइजर और बाइजर, तो ये तो ऑलरेडी आपका कंपेरेटिव है और ये भी आपने कंप्लीट, तो ये आपका रॉन्ग हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट वाला स्टूडेंट आपका कि हम बात कर रहे हैं प्रेफर का यूज वर्ब के रूप में, हम लाइक बेटर, यानी किसका मीन्स होता है स्टूडेंट, लाइक बेटर मीन्स होता है आपका किसी चीज़ को अधिक पसंद करने के सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। तथा इसके बाद हम प्रपोजिशन आपका टू का यूज़ करते हैं स्टूडेंट, ना के आपके देन का। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अगर आप जहाँ भी प्रिपेयर है आपका प्रिपेयर होता है स्टूडेंट, वहाँ पर आप प्रपोजिशन टू का यूज़ करते हो, ना कि हम देन का। जैसे यहाँ आपका बताया गया कि ही प्रिपेयर्स कॉफ़ी टू टी, यानी कि वो पसंद करता है, किस चीज़ को पसंद करता है स्टूडेंट, कॉफ़ी टू टू, यानी कॉफ़ी की तुलना में वो चाय को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो इसलिए आपका स्टूडेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ बी आपके एग्जाम्पल में बताया गया कि ही प्रिपेयर्स कॉफ़ी देन टी, तो यहाँ स्टूडेंट हमने प्रिपेयर्स यूज़ किया है, जो कि इसके साथ हमको देन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, इसलिए आपका स्टूडेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना भी है। यहाँ बताया गया इसी में आपका स्टूडेंट कि प्रिपेयर का यूज़ एडजेक्ट के रूप में अगर हम, यानी टू बी लाइक मोर, यानी अधिक के सेंस में यूज़ करते हैं, तो इसके साथ हम यूज़ कंपेरेटिव और सुपर, यानी कि कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में होता है, अतः इसके बाद हम प्रपोजिशन टू का यूज़ करते हैं, ना कि देन का। वैसे तो हम, आप ये कहोगे सर ने तो ये बताया कि हमें कंपेरेटिव में हम देन का यूज़ करते हैं, लेकिन हाँ स्टूडेंट यही तो मिस्टेक करता है बच्चा, यही आप एग्जाम में मिस्टेक कर देते हो कि आपको क्या पढ़ा होता है कि हम कंपेरेटिव डिग्री जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर हम देन का यूज़ करते हैं, और बच्चे को क्या है कि वहाँ भी देन लगेगा, हाँ भाई ये सही है और ये यहाँ टू लगा हुआ है, ये आपका गलत है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि प्रेफर और आपका प्रेफर होते हैं जो स्टूडेंट, और भी आपके एडजेक्टिव होते हैं जो मैंने आपको बताए थे, आपकी जो लैटिन एडजेक्टिव होते हैं, यानी जिनके लास्ट में आपका आई ओ आर आता है, यानी जूनियर सुपीरियर प्रीरियर इंटीरियर एक्सटीरियर, ये जो आपके लैटिन एडजेक्टिव होते हैं स्टूडेंट, वो भी आपका टू का यूज़ करते हैं। और यहाँ हम जो बात कर रहे हैं ना आपकी प्रेफर और प्रेफरेबल की, ये भी आपका टू आपका प्रपोजिशन लेते हैं स्टूडेंट, ना कि देन का, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कॉफ़ी इज़ प्रेफरेबल टू टी, तो यहाँ ही आपका स्टूडेंट राइट है क्योंकि हमने बताया कि प्रेफर के बाद आपका प्रपोजिशन टू लिया जाता है, ना कि आपका देन। तो यहाँ पर आपने देन का यूज़ किया, इसलिए आपका रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट। जैसे यहाँ बताया ड्रिंकिंग इज़ प्रेफरेबल टू स्मोकिंग, यानी कि जो ड्रिंक करते हैं इस बेटर है, या हम कहें लाइक है टू द स्मोकिंग से बेटर है, तो यहाँ आपने टू का यूज़ किया जो कि आपका बिल्कुल ही सही है स्टूडेंट्स। और यहाँ हमने किसका यूज़ कर दिया, देन का, जो कि आपका स्टूडेंट हो जाएगा आपका रॉन्ग। तो इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना है कि ये ज़रूरी नहीं कि हम जब हम बात कर रहे होते हैं कंपेरेटिव डिग्री की तो हमें देन का यूज़ करना है, तो इन चीज़ों का आप बेहद ध्यान रखें, छोटी छोटी सी चीज़ें, और इन्हीं पर हम मिस्टेक कर देते हैं कि आपकी जो लैटिन एडजेक्टिव होते हैं प्रिपेयर और आपका प्रिपेयर है, ये आपका प्रिपोजिशन टू लेते हैं अपने साथ में, ना कि आपका देन। यहाँ यही होता है स्टूडेंट, प्रिपेयर से पहले हम मोर और मोस्ट का यूज़ करके आप सुपरलेटिव और आप कंपेरेटिव नहीं बना सकते। अगर आपसे बोल दिया है कि भैया इसका आप कंपेरेटिव बना रहे, तो बच्चा क्या करता है कि उसको मोर लगाना है और कंपेरेटिव बना दो भाई, मोस्ट लगा दो सुपरलेटिव बना दो, लेकिन हमें क्या करना है कि जो आपका प्रिपेयर दिया गया स्टूडेंट, इसके साथ आप मोर और मोस्ट का यूज़ करके इनका सुपरलेटिव और कंपेरेटिव नहीं बना सकते। नेक्स्ट रूल स्टूडेंट आपका रूल नंबर 6, इसमें बताया गया है कि जब एक ही हम बात करते हैं, यानी एक ही पर्सन प्लेस और थिंग की दो क्वालिटियाँ, यानी एक ही व्यक्ति की या हम कहें कि वस्तु की, यानी किसी एक ही नाउन की हम दो क्वालिटियों की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो उनका जो ई आर इसका मीन्स होता है स्टूडेंट, जब हम किसी भी डिग्री के लास्ट में, यानी कुछ विशेष रूल्स होते हैं, कुछ डिग्रियाँ होती हैं जिनके लास्ट में आप ER जोड़ते हो स्टूडेंट, तो वो आपकी कंपेरेटिव बन जाती हैं, और इनके लास्ट में अगर आप कुछ EST जोड़ते हो सुपरलेटिव होते हैं। तो यहाँ बात की जा रही है कि एक ही, यानी एक ही व्यक्ति है और एक ही वस्तु है, या हम कहें एक ही प्लेस के बारे में बात कर रहा है वो,
उसकी दो क्वालिटियाँ की बात कर रहा है, तो ईआर से बने कंपरेटिव डिग्री का हम यूज़ नहीं करते स्टूडेंट, बल्कि हम मोर का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कुछ डिग्रियाँ होती हैं जिनके हम पहले आप मोर ऐड करते हो तो स्टूडेंट वो आपकी कंपरेटिव बन जाती है, और मोस्ट ऐड करते हो तो आपकी वो सुपरलेटिव बन जाती हैं। तो यही यहाँ बताया गया स्टूडेंट कि जब हम एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटियों के बारे में बात करते हैं तो हमें वहाँ पर मोर वाली क्वाल जो आपकी एडजेक्टिव्स होता है वो आपका बेटर देन होता है किसकी तुलना में आपकी स्टूडेंट जिन डिग्री के लास्ट में आपका ईआर होता है। तो यहाँ बताया गया कि राम इज मोर इंटेलिजेंट देन स्ट्रांग। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो आपका इंटेलिजेंट होता है ये वैसे भी आपका ऑलरेडी मोर लेकर के इसका कंपरेटिव बनता है और मोस्ट लेकर के आपका सुपरलेटिव बनता है। तो यहाँ आपने क्या किया स्टूडेंट, हमें यहाँ पर मोर लगाना है तो ये आपका राइट हो जाएगा। या इसी में बी एग्जांपल में बताया गया, ये आपका ए एग्जांपल है और ये आपका बी एग्जांपल स्टूडेंट। तो इसमें बताया गया बी में कि सी इज़ मोर क्लेवर देन इंटेलिजेंट, यानी कि वह चालाक की तुलना में क्या है वो बहुत ज़्यादा दिमागदार है। इंटेलिजेंट की बात की गई है उसकी इंटेलिजेंस की। तो यहाँ स्टूडेंट आपने मोर का भी यूज़ कर दिया और क्लेवर का, ये तो आपका सुपरफ्लूज ही हो गया। यानी इससे पहले मैंने अभी आपको बताया कि हमें किसी भी यानी किसी एक व्यक्ति के बारे में हमको क्या स्टूडेंट एक साथ दो कंपरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ आपने मोर क्लेवर लगा दिया, लेकिन आपने क्लेवर लगाया कि जो कि आपकी जो आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है क्लेवर की, वो क्लेवर की वो क्लेवर होती है क्लेवर और आपकी क्लेवरेस्ट होती है, और यहाँ आपने मोर लगा दिया तो ये तो आपकी डबल डिग्री लगा दी ना आपने। और मैंने भी बताया था क्योंकि ये कुछ उन डिग्रियों में नहीं आती है जिनके साथ आपको मोर लगा कर कंपरेटिव बनाते हो, तो इसलिए आपका स्टूडेंट रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पर क्या किया हमने ईआर वाली ऐड की है तब भी आपका रॉन्ग है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब हम एक ही व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो उसके साथ स्टूडेंट हमें मोर वाली जो डिग्री होती है वो बेटर देन होती है आपकी ईआर वाली की। अगर हम बात करें कि अगर इसी रूल को हमें अगर किसी सेकंड वे से समझना हो तो सेकंड वे भी है आपका स्टूडेंट इसका दूसरे तरीके से, कि आपको इस तरीके से समझना है कि मोर उसके बाद आप पॉजिटिव डिग्री यूज़ करना है, उसके बाद हमें देन और उसके बाद हमें पिससे पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करना होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट कैसी डिग्री आपकी स्टूडेंट पॉजिटिव होती है, सुपरलेटिव इसकी कंपरेटिव इसलिए बन गई क्योंकि इसके आपने हमने मोर लगा दिया। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसका यूज़ करके हम एक व्यक्ति वस्तु या हम कहें जानवर के गुणों की तुलना कंपरेटिव डिग्री में करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ बताया गया स्टूडेंट आपका ही वॉज मोर टेल देन हैंडसम, तो यहाँ पर आपको जो टेल है और आपका स्टूडेंट जो आपका हैंडसम है, यानी कि एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है कि वो जो लड़का था वो कैसा था, वो लंबा था और बहुत ही बेहद खूबसूरत था। यानी हैंडसम मीन्स क्या होता है, किसी की आपकी जो फिजिकल से ब्यूटी होती है उसके बारे में बात कर रहा होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने टेल यूज़ किया और आपका हैंडसम यूज़ किया, उससे पहले हमने क्या बोला था मैंने आपसे कि हम मोर लेते हैं उसके बाद हमें फिर से पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद देन फिर आप पॉजिटिव डिग्री। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट आपका एकदम बिल्कुल राइट होता है, लेकिन यहाँ इसने बी में बताया गया आपका कि वॉज टेलर देन हैंडसम। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है कि ये आपने ई आर वाला ऐड कर दिया तो ये तो आपका वैसे ही ऑलरेडी रॉन्ग हो गया, तो इसका आपको ध्यान रखना है ये आपका नीचे वाला रॉन्ग हो जाएगा, ऊपर वाला आपका स्टूडेंट राइट हो जाएगा। यहाँ बताया गया योर काउ इज मोर हम्बल देन वाइल्ड, यानी कि आपकी जो गाय है वो हम्बल यानी विनम्र देन जंगली की तुलना में। तो ये आपका स्टूडेंट सही है क्योंकि हमने यहाँ मोर यूज़ किया, उसके बाद आपने यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री यूज़ किया, देन यूज़ किया और उसके बाद आपने फिर से यहाँ पर हमने पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया स्टूडेंट्स। लेकिन इसमें क्या किया आपने हम्बलर यानी ई आर वाला ऐड कर दिया तो ये आपका स्टूडेंट्स रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट रूल स्टूडेंट आपका रूल नंबर 7, इसमें बात की गई है आपकी हम सेम डिग्री का केस होता है स्टूडेंट। सेम डिग्री का केस का मीन्स होता है स्टूडेंट्स के आपकी जो पीडी आप बोल सकते हो, पीडी मीन्स होता है आपका पॉजिटिव डिग्री शॉर्ट फॉर्म में हम इसको, यानी कि पॉजिटिव डिग्री उसके बाद हम कोई भी कंजक्शन लेते हैं फिर से आप पीडी यानी पॉजिटिव डिग्री का अगर हम यूज़ करते हैं तो ये स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट। ये आप इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो जिसके राम इज टेल एंड हैंडसम। तो यहाँ आपने जो टेल यूज़ किया स्टूडेंट ये आपका पॉजिटिव डिग्री है और आपका जो हैंडसम है ये भी आपका पॉजिटिव डिग्री, यानी एक ही व्यक्ति की। मैंने क्या बताया कि पॉजिटिव डिग्री में होता है हम एक ही पर्सन प्लेस और थिंग के बारे में हम क्वालिफाई करते हैं, यानी उसके बारे में हम क्वालिटी के बारे में हम बता रहे होते हैं। तो यहाँ जो राम नाम का एक व्यक्ति है
वो कैसा स्टूडेंट है, टेल एंड हैंडसम, ठीक है। तो जो आपका एंड है ये आपका कंजक्शन के रूप में हमने यहाँ पर यूज किया है। देखिए यहाँ बताया गया अभी एग्जाम्पल में सुरेंद्र इज गुड एंड वॉइस, तो यहाँ सुरेंद्र नाम का कोई व्यक्ति है उसको वो अच्छा है और वो बुद्धिमान है। स्टूडेंट सुरेंद्र इज गुड एंड मोर वॉइस, तो यहाँ हमने स्टूडेंट यूज किया है गुड और हमने यहाँ क्या यूज कर दिया है मोर वॉइस, तो यहाँ ये आपने पॉजिटिवली यूज, या हमने मोर लगा दिया स्टूडेंट और इसके बाद हमने यहाँ पर वाइज यूज़ किया, तो मोर लगा करके ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट मोर जो यूज़ करते हैं वो हम कंपरेटिव डिग्री के रूप में यूज़ करते हैं और इसलिए आपका रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट। वैसे एक तरीके से ये सही भी है, वो एक अलग रूल्स होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट जो रूल है उसमें बताऊँगा। ये आपका स्टूडेंट वैसे सही है क्योंकि आपका एक रूल होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद कंजक्शन प्लस मोर, उसके बाद आप पॉजिटिव डिग्री, तो ये आपका सही हो जाएगा। सॉरी फॉर मिस्टेक। नेक्स्ट आपका कंपरेटिव डिग्री, उसके बाद फिर से कंजक्शन और हम फिर से आपका कंपरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं स्टूडेंट। यही सेम स्ट्रक्चर होता है, यानी कि आपका सेम डिग्री वाला जो केस होता है स्टूडेंट वो इस तरीके से होता है आपका। जैसे सुरेंद्र इज बेटर एंड वाइजर देन राम, तो यहाँ ये जो सुरेंद्र व्यक्ति है इसकी दो क्वालिटियाँ बताई गई स्टूडेंट, बेटर यानी अच्छा है एंड वाइजर देन, वाइजर यानी बुद्धिमान है किसकी तुलना में स्टूडेंट, आपके राम की तुलना में। तो यहाँ पर हमने देन यूज़ किया है जो कि आपका स्टूडेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कंपरेटिव डिग्री में आप देन का यूज करते हैं। यहाँ बताया गया अभी एग्जाम्पल में कि सुरेंद्र इज बेटर एंड वाइज देन राम, तो ये स्टूडेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपने क्या किया है, यहाँ तो आपने कंपरेटिव डिग्री यूज़ की और यहाँ पर आपने पॉजिटिव डिग्री यूज़ कर दी जो कि आपका बिल्कुल रॉन्ग है। जब हम बात करते हैं हमको एक ही डिग्री सेम यूज़ करनी होती है तो स्टूडेंट वहाँ पर वो आपका सही होता है। अगर आप पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हो आप पॉजिटिव डिग्री यूज़ करो दोनों, अगर कंपरेटिव यूज़ कर रहे हो तो आप कंपरेटिव यूज़ करेंगे, अगर आप सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हो तो आपको सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी हो, बीच में अगर आप कोई भी कंजक्शन यूज़ कर रहे होते हो। जैसे हम बात किए कि उमा इज़ द टेलेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन दिस कॉलेज, यानी उमा नाम की कोई स्टूडेंट गर्ल है इसके बारे में आपको बताया गया कि वो टेलेस्ट एंड लंबी है एंड मोस्ट ब्यूटिफुल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, यानी गर्ल इन दिस स्कूल में, यानी कि एक लड़की है और उसकी तुलना किससे कर दी गई स्टूडेंट, यानी हम जो आपका सुपरलेटिव डिग्री होता है उसमें हम जो क्वालिफाई करते हैं स्टूडेंट मोर देन टू से हम ज़्यादा के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ उमा नाम की लड़की जिसकी कंपेयर किससे कर दी गई स्टूडेंट पूरे कॉल यानी आपके पूरे स्कूल से कंपेयर कर दी गई पूरे स्कूल की लड़कियों से। तो आपने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पर आपने सुपरलेटिव डिग्री यूज की, उसके बाद हमने यहाँ पर कंजक्शन यूज़ किया है और आपका फिर से हमने मोस्ट लगा करके स्टूडेंट हमने इसका ब्यूटीफुल लगा करके हमने इसका फिर से आपका सुपरलेटिव डिग्री यूज़ किया है जो कि आपका बिल्कुल ही सही है। लेकिन यहाँ आपका नोट में कुछ बताया गया स्टूडेंट, नोट को आप ध्यान से सुनिएगा कि दो आपकी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव हम किसी भी कंजक्शन जोड़ते हैं, ठीक है, तो पहला जो आपका सुपरलेटिव डिग्री होता है उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं स्टूडेंट। जैसे हमने यहाँ भी द यूज़ किया है लेकिन ये मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि तो जो आपका पहला सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले हम स्टूडेंट द लगाते हैं, ना कि आप दूसरे वाले। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आपने दो सुपरलेटिव डिग्रियाँ यूज़ की हैं और यानी आपने किसी भी कंजक्शन से उनको ऐड किया है उनको जॉइंट किया है तो आप पहले वाले से द लगा सकते हो, पीछे वाले से आपको द का यूज़ नहीं करना है। जैसे यहाँ बताया गया कि राम इज़ द बेस्ट एंड वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास, तो राम यूज़ किया आपका बेस्ट किया और एक आपका वाइजेस्ट, तो पहले वाले से हमने यहाँ पर द का यूज़ किया है, हमें सेकंड वाले से पहले द का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आपका स्टूडेंट क्या है रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आपका राइट है क्योंकि हमने इसमें पहले वाले से यूज़ किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। ये तो आपका जो रूल है स्टूडेंट ये मैंने आपका सिंटेक्स वाला जो चैप्टर था जो शुरू में कराया था मैंने उसमें आपका ये रूल बताया कि हम द उसके बाद हम कोई भी कंपरेटिव डिग्री उसके बाद हम सब्जेक्ट उसके बाद आप वर्ब प्लस हम कॉमा के बाद प्लस यही सेम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं दोबारा से, यानी द प्लस कंपरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फिर कॉमा इस तरीके से। अगर आपका मान लीजिए कोई भी अगर टेंस यूज़ किया गया अगर हमने कहीं भी यूज़ कर रखे हैं तो उससे क्या है स्टूडेंट हम दो वस्तुओं के हम पैरेलल यानी इंक्रीजिंग या पैरेलल डिक्रीज यानी उनमें या तो आपको पता चल रहा होगा कि आपकी जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें या हम बात कर रहे होंगे कमी के बारे में।
जैसे आपका द बताया गया एग्जाम्पल में, द हायर वी गो कॉमा द कूलर वी फील, यानी कि जितना आप ऊँचे जाएंगे यानी कि हम उतना ही हम ठंडा महसूस करेंगे। तो यहाँ स्टूडेंट आपका द यूज़ किया गया है, देखो सेम स्ट्रक्चर मिल रहा है आपका। उसके बाद हमने हायर जो कि आपकी कंपरेटिव डिग्री है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉमा, उसके बाद आपका फिर से द कंपरेटिव और आपका सब्जेक्ट प्लस। तो यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट कि द हायर वी गो यानी जितना हम ऊंचा जाएंगे द कूलर वी, तो यहाँ क्या स्टूडेंट बात की जा रही है आपकी इंक्रीजिंग हो रही है यानी बढ़ोतरी हो रही है कि जितना आप ऊपर जा रहे हो उतना आपको क्या है ठंड महसूस हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल में आपको बताया गया स्टूडेंट द मोर यू लेबर द मोर यू कैन, वही आपका सेम स्ट्रक्चर देखो द आपका मोर सब्जेक्ट वर्ब द कंपरेटिव सब्जेक्ट वर्ब। तो यहाँ स्टूडेंट क्या पता चल रहा है कि द मोर यू लेबर यानी जितना आप परिश्रम करोगे द मोर यू गेन जितना ही आप प्राप्त करोगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या है आपकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात की गई है। यहाँ है आपका स्टूडेंट रूल नंबर 9 मोर एंड उसके बाद आपका फिर से मोर और हम पॉजिटिव डिग्री का अगर यूज़ करते हैं। यह हम बात करें ये आपका एक स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट कि आपकी कोई भी और कंपरेटिव डिग्री दी जाती है जिसके लास्ट में आप ईआर होता है प्लस उसके बाद फिर से आप एंड आपका कंजक्शन ऐड करने के बाद फिर से आपका ईआर हो, तो हम वाह क्या कर रहे होते हैं वह हम वस्तु के धीरे धीरे या तो हम इंक्रीजिंग या हम डिक्रीजिंग की बात कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में समझा गया स्टूडेंट कि ही इज़ गेटिंग थिनर एंड थिनर, तो यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट कि ही इज़ गेटिंग वह क्या कर रहा है थिनर एंड वह पतला और पतला होता जा रहा है। तो यहाँ स्टूडेंट क्या है वो उसकी इंक्रीजिंग बता रहा है कमी बता रहा है कि वो क्या है पहले वो मोटा था यानी अब वो कैसा हो रहा है वो पतले पे पतला हुआ जा रहा है। तो यहाँ स्टूडेंट आपकी बात की गई है डिक्रीजिंग की। नेक्स्ट में बताया कि राम बिकमिंग मोर एंड मोर वाइज, तो मोर भी आपका स्टूडेंट कंपरेटिव डिग्री है और आपका मोर भी आपका कंपरेटिव डिग्री है और आपका ये पॉजिटिव। लेकिन यहाँ मैंने आपको दो स्ट्रक्चर बताए, देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर बताया मैंने आपको मोर उसके बाद प्लस हम एंड करके मोर उसके बाद हम कोई भी आपका पॉजिटिव डिग्री है। तो यही आपका स्टूडेंट यहाँ पर रोल फ्लो हो रहा है आपका कि मोर है उसके बाद हमने एंड यूज़ किया है उसके बाद हमने फिर से मोर यूज़ किया उसके बाद हमने यहाँ पर आपकी पॉजिटिव डिग्री यानी कि बाइस का यूज़ किया। अगर हम यहाँ बाइजर यूज़ करते तो स्टूडेंट ये आपका रॉन्ग हो जाता क्योंकि बाइजर आपकी कंपरेटिव डिग्री होती है और बाइस हमारे यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री होती है। यहाँ बताया गया इस एग्जाम्पल में कि ही इज़ बिकम पुअरर एंड पुअर, वो गरीब से गरीब होता जा रहा है, वो गरीब से और भी गरीब होता जा रहा है। तो यहाँ क्या है स्टूडेंट वो इंक्रीजिंग हो रही है यानी वो गरीब से और गरीब हो रहा है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे स्टूडेंट कि आपकी मोर है उसके बाद एंड है प्लस मोर है तो वहाँ पर हम पॉजिटिव डिग्री है, या हम बात करें अगर आपकी ई आर उसके बाद एंड प्लस ई आर वाली जो डिग्री होती है वहाँ पर हम या तो आपकी इंक्रीजिंग हो रही होगी स्टूडेंट या आपकी डिक्रीजिंग हो रही होगी। जैसे यहाँ बताया गया ये आपकी लगातार स्टूडेंट आपके तीनों राइट हैं लेकिन यहाँ बताया गया ही इज़ गेटिंग थिन एंड थिनर, तो यहाँ आपका थिन कैसा यूज़ कर दिया स्टूडेंट, यहाँ हमने थिन को यूज़ किया है आपकी पॉजिटिव डिग्री है और आपका जो थिनर है स्टूडेंट आपका आपका कंपरेटिव डिग्री है तो इसलिए आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। राम इज बिकिंग मोर वाइज एंड गुड, तो यहाँ स्टूडेंट आपने यूज़ कर लिया है मोर के बाद आपने यहाँ पॉजिटिव डिग्री यूज़ किया है प्लस आपने एंड यूज़ किया है उसके बाद हमने गुड यूज़ किया है तो योग आपका बिल्कुल भी रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसी चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि अगर हम कहीं भी मोर है उसके बाद एंड है प्लस हम मोर यूज़ करते हैं प्लस उसके बाद हमें पॉजिटिव डिग्री यूज़ करेंगे या फिर आपका ईआर उसके बाद एंड ईआर हो तो वहाँ पर हम डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग की बात कर रहे होते हैं। बढ़ते नेक्स्ट रूल की तरफ, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपकी समझ में आ रही होंगे, नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हो। नेक्स्ट रूल में बताया गया स्टूडेंट आपका रूल नंबर 10 में है कि एस उसके बाद हम पी डी मीन्स आपका स्टूडेंट आपका पॉजिटिव डिग्री उसके बाद हम एस के पहले हम इक्वली का यूज़ नहीं करते स्टूडेंट, ये आपका वर्ड है। जैसे मैंने आपको एनएफ को बताया था ना कि एनएफ का हम यूज़ कहाँ करते हैं पॉजिटिव डिग्री के बाद यूज़ करते हैं और ना ही आप सुपरलेटिव डिग्री के आप और आपकी कंपरेटिव डिग्री के बाद हम एनएफ का यूज़ करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसे यहाँ बताया गया है कि जो आपका इक्वली वर्ड जो यूज़ होता है स्टूडेंट ये आपका हम पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस यूज़ करते हैं उसके पहले हम इसका यूज़ नहीं करते स्टूडेंट। जैसे यहाँ बताया गया आपका एग्जांपल में मेंशन किया गया है कि राम इज इक्वली एज वाइज एज सुरेश, तो यहाँ ये आपका स्टूडेंट होता है पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर कि एज आपकी डिग्री उसके बाद एज, तो एज जो यूज़ करते हैं स्टूडेंट ये यूज़ करते हैं हम पी डी यानी कि आपकी पॉजिटिव डिग्री के लिए यूज़ करते हैं और इससे पहले हमें इक्वली का यूज़ नहीं करना है जो कि आपका रॉन्ग है।
तो इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एन एफ का यूज हम बाद में करते हैं और आपके इक्वली का भी यूज आप बाद में करोगे, पहले आप यूज इसका नहीं कर सकते। स्टैंड वी एग्जाम्पल में आपका बताया गया है कि राम इज एज वाइज एज सुरेश यहाँ पर, तो ये स्टूडेंट आपका राइट है क्योंकि हमने वाइज यूज होता है स्टूडेंट, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है जो कि आपके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपकी सही है, यानी कि एज पॉजिटिव डिग्री और आपका एज ये बिल्कुल आपका राइट है स्टूडेंट। सी एग्जाम्पल में आपका मेंशन किया गया कि राम एंड सुरेश आर इक्वली वाइज, तो यहाँ आप स्टूडेंट इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ आपने एज डॉट एज का यूज नहीं किया है, तो यहाँ पर आप इक्वली का यूज कर सकते हो, तो ये आपका स्टूडेंट राइट है क्योंकि ये हमने जनरली एक सेंटेंस में यूज कर लिया कि राम एंड सुरेश क्या है इक्वली वाइज है, वो एक समान मध्यमान है क्योंकि यहाँ हमने रियलिटी आपके एक एज सेंटेंस यूज किया है ना कि आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी आपका स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वली का यूज यहाँ पर नहीं किया स्टूडेंट। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इक्वली और आपका एन एफ का यूज हम इनसे पहले हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट रूल आपका स्टूडेंट रूल नंबर 11, इसमें बताया है कि पॉजिटिव और आपकी कंपेरेटिव डिग्री के हम सेंटेंस में अदर का यूज होता है स्टूडेंट, जो आपकी पॉजिटिव होती है और स्टूडेंट आपकी जो कंपेरेटिव डिग्री होती है यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं उनके साथ हम आपके अदर वर्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन करते कहाँ ये आपको समझना है कि नो अदर कॉलेज इन मथुरा इज एज गुड साइंस कॉलेज, तो यहाँ स्टूडेंट आपकी जो एज गुड एज ये आपका स्टूडेंट यूज़ किया गया आपका पी डी, यानी कि आपके पॉजिटिव डिग्री के लिए यूज़ किया गया, यानी नो अदर यानी कोई भी कॉलेज नहीं है इन मथुरा में एज साइंस कॉलेज, तो यहाँ बताया गया कि कोई भी कॉलेज नहीं है मथुरा में जैसे कि आपका साइंस का कॉलेज है। वी एग्जाम्पल आपका मेंशन किया गया है स्टूडेंट कि साइंस कॉलेज इज बेटर देन एनी अदर कॉलेज मथुरा, तो यहाँ बताया कि साइंस का जो कॉलेज है बेटर देन एनी अदर, तो यहाँ भी आपका यूज़ किया गया स्टूडेंट आपका ये देन यूज़ किया गया है और आपकी ये हमने कंपेरेटिव यानी हमने यूज़ किया है इसको सी डी फॉर्म में, यानी कंपेरेटिव डिग्री के एस हमने इसको यूज़ किया स्टूडेंट। यहाँ बताया गया कि साइंस कॉलेज इज बेटर देन ऑल अदर कॉलेज इन मथुरा, तो यहाँ भी आपने सी डी का यूज़ किया यानी कंपेरेटिव डिग्री का स्टूडेंट, तो यहाँ आपने क्या सीखा स्टूडेंट, यहाँ हमने सीखा कि आपने केवल वर्ड यूज़ किए हैं उनका जो सेंस आ रहा है वो हमने सेंस नहीं किया, तीनों का आप सेंस निकाल लीजिए आप कि भाई यहाँ बताया गया कि जो कोई भी कॉलेज नहीं है मथुरा में ऐसा आपका साइंस कॉलेज है, यहाँ बताया कि जो साइंस कॉलेज है इतना बेटर है ऐसा मथुरा में कोई भी कॉलेज नहीं है, ऐसे साइंस कॉलेज इज बेटर देन यानी कि जितना जो आपका साइंस का कॉलेज है वो आपके मथुरा में जितने कॉलेज हैं उससे सबसे बेटर, तो यहाँ क्या बताया कि सब यानी तीनों सेंटेंस में आपका बेस्ट क्या रहा साइंस का कॉलेज, तो इसका एक अलग से चैप्टर होता है स्टूडेंट जिसमें हम बात कर रहे होते हैं यानी आपका इंटरचेंज ऑफ डिग्री कंपेरिजन, वो मैं आपका अलग से एक चैप्टर है वो मैं वीडियो आपकी बनाऊंगा उसके बारे में, वो अलग है यानी उसका यूज़ किया जाता है स्टूडेंट कि हम जो सेंटेंस का जो भाव होता है जो मीन्स होता है वो आपका चेंज नहीं होता है लेकिन उसका हम डिग्री चेंज कर देते हैं, तो आप उसको मैं अलग से बनाऊंगा वीडियो तो आप उसको देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ बताया कि हम सुपरलेटिव डिग्री के सुपरलेटिव जो एडजेक्टिव के बाद हम अदर का यूज नहीं करते हैं स्टूडेंट, यहाँ बताया गया था स्टूडेंट पॉजिटिव और आपकी जो कंपेरेटिव डिग्री होती है उसके साथ हम अदर वर्ड का यूज़ करते हैं लेकिन हम सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड के साथ आप अदर वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे यहाँ बताया कि ही वॉज द मोस्ट लेबोरियस ऑफ ऑल द स्टूडेंट, यहाँ द यूज़ किया गया है और आपकी ये मोस्ट यूज़ करके हमने लेबोरियस आपकी आपकी सुपरलेटिव डिग्री है और उसके बाद हमने यहाँ पर अदर वर्ड का यूज़ किया है जो कि आपका स्टूडेंट बिल्कुल ही गलत है, यहाँ बताया गया ही वॉज द मोस्ट लेबोरियस ऑफ ऑल स्टूडेंट, तो ये आपका स्टूडेंट सही है यानी राइट है क्योंकि हमने यहाँ पर अदर वर्ड का यूज़ नहीं किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट आपका रूल नंबर 11 कि द उसके बाद हम कंपेरेटिव प्लस ऑफ द टू, उसके बाद हम प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं, इसके साथ हम सेंटेंस में स्ट्रक्चर में ऑफ के बदले हम देन का यूज़ नहीं करते हैं स्टूडेंट, देखो वही बात आ गई, हम कंपेरेटिव तो कर रहे हैं इनके साथ हम कंपेरेटिव की तो आपकी यूज़ किया है लेकिन इसमें हमने देन का यूज़ नहीं किया है, तो इस चीज़ का भी आप बेहद ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है जहाँ पर आप देन यूज़ करें वो कंपेरेटिव डिग्री हो, वहाँ पर हम ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं और आपके टू का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम बताया कि ही इज़ द मोर केयरफुल ऑफ ऑल द गर्ल, तो यहाँ कंपेयर किए गए यानी कि ही इज़ द मोर, ये आपकी स्टूडेंट आपकी आपका कंपेरेटिव डिग्री है, उससे पहले हमने द का यूज़ किया है ये यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ ऑफ ऑल के बाद हमने देन का यूज़ कर दिया जो कि आपका स्टूडेंट बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा।
लेकिन इसने बी एग्जाम्पल में बताया कि ही इज द मोर केयरफुल ऑफ ऑल टू बॉयज। पहली बात, ये हम कंपेयर कर रहे हो तो एक जैसी चीज़ होनी चाहिए तो बेटर होता है, हम कर भी सकते हैं अदर में, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमें कि ही इज़ द यूज़ किया गया, उसके बाद हमने कंपेरेटिव यूज़ किया गया स्टूडेंट, उसके बाद ऑफ द टू, और उसके बाद हमने यहाँ पर यूज़ किया आपका प्लूरल नाउन यानी प्लूरल पीआई यानी प्लूरल नाउन का यूज़ किया स्टूडेंट। तो इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना है, अगर आपका कोई भी स्ट्रक्चर दिया जाता है यानी द उसके बाद हम कोई भी कंपेरेटिव डिग्री उसके बाद ऑफ द टू का अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके बाद आपको प्लूरल नाउन का यूज़ करना होता है। जैसे यहाँ सी एग्जाम्पल में आपका बताया गया है कि सी इज़ द वेटर ऑफ द टू टीचर्स, तो यहाँ आपका द यूज़ किया है, आपका सी डी यूज़ किया गया स्टूडेंट यहाँ पर, और आपका ऑफ द टू यूज़ किया गया, और आपका यहाँ पर प्लूरल नाउन भी यूज़ किया गया, तो यह आपका स्टूडेंट बिल्कुल राइट है। लेकिन यहाँ क्या किया इसने कि आपका वेटर यूज़ कर दिया और उसके बाद स्टूडेंट इसने देन यूज़ कर दिया, जो कि आपका बिल्कुल ही रॉन्ग है, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स। और यह स्टूडेंट आज की वीडियो का लास्ट रूल आपका रूल नंबर 30 कि दो समान वस्तुओं के बीच हम तुलना करते हैं लेकिन दो असमान वस्तुओं के बीच हम तुलना नहीं होती है। ये तो बात सही है बिल्कुल, अगर हम बालों के अगर किसी के बीच हमें कंपेयर करनी हो तो वो एक जैसी चीज़ हो तो बेटर होता है, अगर हम अलग की भी इस कंपेयर करेंगे तो कैसे कर देंगे। तो वही इसमें बताया गया है कि हम अगर हम सिंगुलर के लिए हम दैट ऑफ का यूज़ करते हैं स्टूडेंट, और आपके प्लूरल के लिए हम आपके दोज ऑफ का यूज़ करते हैं। आप समझेंगे, बहुत ही बेहतरीन रूल है ये आपका, एकदम शानदार रूल है आपका कि द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ मथुरा। तो यहाँ क्या बताया गया स्टूडेंट कि द क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या होता है स्टूडेंट, आपकी जो जलवायु होती है, द क्लाइमेट ऑफ पटना की जो जलवायु है इज़ बेटर देन दैट ऑफ। तो दैट ऑफ यहाँ यूज़ क्यों किया गया स्टूडेंट कि यहाँ सिंगल यानी सिंगुलर के सेंस में यूज़ किया गया है, इसीलिए हमने यहाँ पर दैट ऑफ का यूज़ किया गया स्टूडेंट, और द क्लाइमेट ऑफ पटना इज़ बेटर देन मथुरा। तो ये स्टूडेंट आपका रॉन्ग है क्योंकि हमने यहाँ पर देन का यूज़ किया गया है स्टूडेंट। और यहाँ बताया गया स्टूडेंट आपका सी एग्जांपल में कि द पीपल ऑफ मथुरा आर वाइजर देन दोज ऑफ दिल्ली, तो यहाँ दोज ऑफ यूज़ किया है जो कि स्टूडेंट आपका राइट है। मैंने अभी आपको बताया था अगर हम मान लीजिए अगर हम किन्हीं भी अलग चीज़ों के यानी वस्तु यानी पर्सन प्लेस और थिंग के बीच अगर हम कोई भी कंपेयर कर रहे होते हैं स्टूडेंट, तो वहाँ पर अगर आपका सिंगुलर सेंस में है तो हम दैट ऑफ का यूज़ करते हैं, और आपका प्लूरल फॉर्म में तो आपका हम दोज ऑफ यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ बताया गया था पीपल ऑफ मथुरा आज वाइजर देन दिल्ली, तो यहाँ हमने देन यूज़ किया जो कि आपका बिल्कुल ही स्टूडेंट्स रॉन्ग है, ना ही हमने यहाँ दैट ऑफ का यूज़ किया है। लेकिन यहाँ था पीपल ऑफ मथुरा आर वाइजर देन दैट ऑफ दिल्ली, ये भी आपका स्टूडेंट रॉन्ग है आपका। तो मेन उद्देश्य क्या था स्टूडेंट मेरा इससे समझाने का कि जब अगर हम बात कर रहे होते हैं किन्हीं दो चीज़ों के बारे में तो अगर वो एक जैसी हैं तो इसमें तभी तो आप उनके बीच कंपेयर कर सकते हो। जैसे यहाँ मैंने बताया था क्लाइमेट ऑफ पटना इज़ बेटर देन दैट ऑफ मथुरा, दैट ऑफ तो चलो आप समझ गए होंगे दैट ऑफ दोज ऑफ, लेकिन जो मेन उद्देश्य है इस रूल का वो ये है कि जब हम बात करें ना क्लाइमेट ऑफ पटना इज़ बेटर देन दैट ऑफ मथुरा, तो यहाँ हम क्लाइमेट की तुलना कैसे कर रहे हैं मथुरा से, भाई कैसे हो जाएगी, हम बात कर रहे हैं एक तरफ तो पटना की जलवायु की और एक तरफ बात करें मथुरा की, तो ये कहाँ का नियम है कि हम अलग अलग चीज़ों की तुलना कर रहे हैं। तो अगर हमें ये सेंटेंस अगर दैट ऑफ के बिना भी स्टूडेंट आपका राइट हो जाता अगर हम यहाँ बात कर रहे होते द क्लाइमेट ऑफ पटना इज़ बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मथुरा, यहाँ हम यूज़ करते द क्लाइमेट ऑफ, तो स्टूडेंट ये आपका राइट हो जाता क्योंकि हम कंपेयर करते हैं एक जैसी चीज़ों के बारे में तभी वो आपका राइट आता है सेंस में। लेकिन यहाँ बताया गया था द पीपल ऑफ मथुरा आर वाइजर, यहाँ तो आप बात कर रहे हो कि भैया एक तरफ तो आप हम बात कर रहे हैं जो मथुरा के जो आपके जो लोग हैं जो रहने वाले हैं उनकी कंपेयर आप दिल्ली से कैसे कर दोगे, एक तरफ तो आप बात कर रहे हो पीपल की यानी आदमियों की बात कर रहे हो हैं, और एक तरफ बात कर रहे हो आप किसी सिटी की, ये कहाँ का नेम है। तो यहाँ कंपेयर की गई द पीपल ऑफ आपकी मथुरा, तो यहाँ भी आपका द पीपल ऑफ द पीपल ऑफ DELH, ये अगर आपका स्टूडेंट होता तो तब भी आपका ये सेंटेंस राइट हो जाता है, यानी द पीपल ऑफ मथुरा आर वाइजर देन द पीपल ऑफ दिल्ली, यानी कि हम जब कंपेयर करेंगे स्टूडेंट तो एक जैसी चीज़ों के बीच आप कंपेयर कर सकते हो। अगर मान लीजिए अगर कंपेयर नहीं हो रही है और इस तरीके सेंटेंस नहीं दिया गया है तो वहाँ आप दैट ऑफ और दोज ऑफ का भी यूज़ करके आप स्टूडेंट उनको राइट कर सकते हो। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो आज की वीडियो का स्टूडेंट रखते हैं यहीं पर। Thanks for watching. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.